डीएम शंभू कुमार ने सिंचाई व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ घाघरा की कटान रोकने के लिए बन रहे स्पर का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बन रहे स्पर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। एसडीएम को बाढ़ से पूर्व बचाव की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। डीएम शंभू कुमार ने आला अधिकारियों के साथ मैसी तहसील के पिपरा गाँव के निकट कटान को रोकने के लिए बन रहे स्पर का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई। डीएम ने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व ही इस पर का निर्माण कार्य पूरा कर ले। एसडीएम सुरेंद्र त्रिपाठी को बाढ़ से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की एक बैठक कर ले, सबको जिम्मेदारी सौंप दें, सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें। जिलाधिकारी ने बोड़ी गाँव के निकट कटान को रोकने के लिए बने स्पर संख्या 1 का भी निरीक्षण किया। महसी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपदा पूर्व आप द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या है आपदा पूर्व तैयारियां बाढ़ व कटान प्रबंधन की? देखिए, हमारे जनपद में बाढ़ की लगभग हर साल समस्या आती है और विशेषकर जो महसी तहसील है इसके काफ़ी गांव प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के साथ साथ काफ़ी गाँव के कटान की समस्या बनी रहती है। इस बार सरकार की तरफ से 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं और एक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, दूसरा प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया है जो कि बाढ़ के पहले आगामी 2 हफ्ते में उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो बाढ़ की समस्या है उससे गांव की जो कटान की बड़ी समस्या सामने आती थी उससे काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो अन्य विभाग हैं बाढ़ की आपदा के समय लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, इन सारे विभागों के साथ भी समन्वय पूर्वक कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि बाढ़ के समय हम नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तटबंध सर, जो बेलहा तटबंध जिस पर आए हैं आप, सर कहीं जर्जर नजर आया है, कहीं किसी तरह की कोई कमी इसमें? नहीं नहीं, जो कुछ तो इस पर नए निर्माण हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से निर्माण कराए जा रहे हैं, मौके पर जाके उसका निरीक्षण किया गया है और एक जो कमजोर हालत में था उसका मरम्मत करके अच्छी तरीके से कर लिया गया है। तो पानी का काफ़ी दबाव अब झेलने की स्थिति में है और बांध पे कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो छोटी छोटी रिपेयर वर्क है उसको विभाग ने पूरा कर लिया है और वो लगातार निगरानी का विषय है, लगातार निगरानी होती रहेगी, जहाँ भी समस्या आएगी तत्काल उसका समाधान किया जाएगा। पहले से काफ़ी मटेरियल को हम लोगों ने बांध के किनारे रिजर्व में रखा है कि जहाँ भी आवश्यकता होगी तत्काल उसका समाधान कराया जाए। सर बाढ़ सर वर्ष जो है एनडीआरएफ की टीम आती है और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आती है, ग्रामीणों की मनसा है इस बार भी एनडीआरएफ की टीम लगाई जाए, इसके बारे में? निश्चित रूप से इस बार भी आएगी, हम लोग लगातार बातचीत करेंगे।